एंड द रिकॉर्डिंग इज ऑन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। नया सीरीज है ये, इसमें गेम प्ले होगा अपना जो हम लोग जनरली करते रहते हैं, और कुछ ऑडियोज भी होंगे, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाएंगे। वर्ल्ड का नाम क्या रखेंगे? ओके, ठीक है। इसमें इस सीरीज में क्या हुआ कि जनरली हम लोग ना मतलब कुछ भी बकवास करते रहेंगे और कुछ भी गेम प्ले करते रहेंगे। आई डोंट नो, हम बस इस पर्पज से अपलोड कर रहे हैं क्योंकि अपलोड करना था। 1.5 लाख का कंप्यूटर हमने बनाया था 1 साल वेट करके, और बहुत ही सोच के रखे थे शुरुआत में। मतलब बहुत सारे वीडियोज आइडियाज़ थे, पर आई फेल्ड एवरी टाइम। हम कितना बार फेल हो चुके थे। हमने एक चैनल बनाया, वो चैनल चला नहीं, उसके बाद से अभी दूसरा चैनल बनाए हैं, दूसरा चैनल भी नहीं चला जहाँ तक हमको पता है। हाँ, तीसरा चौथा बनाया है, तो शायद ये हम ट्राई करें। ठीक है, इसमें क्या होगा, जनरली हम लोग कुछ चीज़ें बिल्ड करेंगे, बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें आगे प्रोग्रेस होती। मे बी हम लोग स्पेस में कुछ चीज़ें बनाएंगे, मे बी क्या कहते हैं, पानी में कुछ चीज़ें बनाएंगे। वी विल सी अबाउट दैट। फॉर नाउ हम लोगों का कोऑर्डिनेट्स क्या है, -15 -2। ठीक है, ओके। इट्स बेसिकली इट्स अ चिल गेम प्ले। आई डोंट थिंक अभी शुरुआत में कोई इसमें कोई ऐसा नॉन चिल जैसा है। एक बार चेक कर लेते हैं हमको कि रिकॉर्डिंग कैसे सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, रिकॉर्डिंग इज ऑन। और आज का डेट है 17 जनवरी 2023, शाम के 7 बज चुके हैं। दिन भर हम सोचे थे कि वीडियो बनाए कि नहीं बनाए, बनाए कि नहीं बनाए, और मेरे पास कोई ज़्यादा कंटेंट था भी नहीं। लेकिन अब यार पता है, एक्चुअली में जब मेरे पास पैसे नहीं थे ना, जब पैसे नहीं थे तो हम बहुत, मेरा मन करता था यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, ये बनाओ वो बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ। लेकिन यार 1 साल करीब हम वेट किए थे, ठीक है, हम 1 साल करीब वेट किए कि एक कुछ वीडियो बनाने मिले। कुछ मेरे पास पीसी था नहीं, और आपको बताइए कि माइनक्राफ्ट जावा ऐसे लैग करने लगता है अगर जो आप उसको माइनक्राफ्ट जावा को अगर जो आप खेलोगे बिना प्रॉपर स्पेक का, तो ये लैग करने लगता है। और मेरे को पता है बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता था बेडरॉक, तो मैंने उसको बनाया नहीं था। लेकिन अब चलो देखते हैं कि अभी कैसा होता है। तो खाली इसमें ये ही नहीं होगा कि बस खाली गेम प्ले ही होगा। बेसिकली हम इसमें दुनिया भर की चीज़ें कुछ भी बात करेंगे। मेरा चैनल है भाई, हम जो मन से बात करें, इट्स अप टू मी। आई कैन टॉक वॉट एवर अबाउट एनी थिंग। हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। ठीक है, वेल, किसी भी चीज़ से याद आया, आज यहाँ पे हम करेंटली लखनऊ में हैं, और ये टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर करीब 5 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। ठीक है, बहुत ठंड तो है, ठीक ठाक, दिन में धूप निकल रही है लेकिन ठंड तो है। एक्चुअली में क्या हुआ था ना, जब हम छोटे थे ना, तो हमको इतना ठंडी लगा था ना कोई चीज़ को लेकर के, कि हमको लगा था कि अगर जो हम छत पे ना अपना ये कटोरी रख देंगे ना, तो उसमें बर्फ़ जम जाएगा। तो एक बार हम सोने के पहले ना कटोरी रखे थे ये सोच कर कि बर्फ़ जम जाएगा, लेकिन बर्फ़ नहीं जमा। सुबह उठ के गए, हम रात भर सोते रहे, अच्छा कितना बर्फ़ जम गया होगा। उस समय मेरे पास, जहाँ तक हमको याद है, मेरे पास फ्रिज नहीं था, मतलब रेफ्रिजरेटर नहीं था। तो इस कारण से हमको लगा था कि चलो बर्फ़ पाने का एक आसान तरीका ये है कि हम इसको बर्फ़ पाने का एक आसान तरीका ये है कि हम इसको छत पे कर देंगे। देखो क्या हो रहा है, बात करते करते वीडियो रिकॉर्ड करने का नुकसान यही होता है, कुछ भी कर रहे हो। एक्चुअली में इधर भी ध्यान लगाना, ठीक है, और उधर भी ध्यान लगाना है। अब मेरा ध्यान थोड़ा सा लो रैम है, रैम मेरा थोड़ा स्लो है, ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। ठंड से एक चीज़ हमको याद आया, ठंड में देखना कि हम लोगों का जो पैर होता है ना, पैर हम लोगों का ठंडा हो जाता है अगर जो ठंडी में देखना। लेकिन हाँ, कभी देख ये नहीं देखोगे कि कभी पेट ठंडा हो गया या फिर सर ठंडा हो गया। एक्चुअली में बॉडी का ये कोपिंग मैकेनिज्म है कि दूर, बॉडी के से दूर जितनी भी आपके पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स जैसे कि पैर हुए, हाथ हुए, पंजे हुए, उनको बॉडी वो कर देता है, क्या कहते हैं, कूल कर देता है। वहाँ का जो ब्लड वेसल्स है ना, वो लोग कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। कॉन्स्ट्रिक्ट करने का मतलब होता है कि वो लोग पतले हो जाते हैं। ऐसा करने से ब्लड फ्लो वहाँ पे कम हो जाता है, और ऐसा करने से हीट बचता है। क्योंकि अगर जो सोचो कि हीट, पता है अर्जेंट कहाँ, मतलब बॉडी में, अगर जो हम लोगों को बॉडी में सबसे ज़्यादा हीट कहाँ रहने की ज़रूरत है, मतलब अर्जेंट है, दिमाग हुआ, पेट हुआ, लंग्स हुए, किडनी हुए, ठीक है, और दिमाग हुआ, लंग्स हुआ, पेट, किडनी, ये सब चीज़ बहुत अर्जेंट है। अगर जो पैर थोड़ा ठंडे चल जाएंगे ना, तो भी उतना कोई नुकसान नहीं होता। यही कारण है कि बॉडी का हम लोग के एक ये मैकेनिज्म है कि हम लोग दूर तक इसमें जो 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 चीज़ें मतलब दूर से जाती हैं, ठीक है, उसको ये थोड़ा सा कम ठंडा, मतलब थोड़ा सा ठंडा रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग का दिल ठंडा ना पड़े, ऐसे कई ठंडे दिल वाले लोग होते भी हैं, कठोर दिल, बट नॉट साइंटिफिकली, ठीक है। वेल, अपना आइडिया गेम प्ले में ये है ना कि कुछ इसमें बनाना है,
कुछ दूर तक कुछ बनाना है मेरे को, तो अभी विलेज विलेज ही चाहिए, कुछ खाना पीना तो मिल नहीं रहा इसमें। चलो खोल तो मिला कम से कम। एक्चुअली में हम बहुत आलसी हैं, बताएं। हम एक सवेल बना सकते हैं बट हम क्यों बनाएं सवेल। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ का, अरे देखो यार ये देखो क्या हो गया, मतलब यही असल में हमको ये आज कितना 17 जनवरी, ठीक है, तो मेरे को अपलोड करना था करीब, रेगुलर अपलोड करने थे बट क्या था कि शादी पार्टी में गए हुए थे कहीं पे, तो सो आई वाज नॉट एबल टू अपलोड इट, बट या आई एम काइंड ऑफ ट्राइंग टू अपलोड इट राइट नाउ। और अब तो बेटा अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, अभी उतना मेरे को टेंशन नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आई मीन या तो तजुर्बा होगा या तो हम आगे बढ़ेंगे, कुछ तो दोनों मेरे को है, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, लेकिन आगे तो बढ़ो। पता है यही प्रॉब्लम क्या होता है ना कि एक्चुअली मैं, मेरे पास बहुत सारे कंटेंट थे बनाने के लिए शुरुआत में, जब हम बनाने के लिए सोचे थे तो शुरुआत में हमारे पास बहुत कंटेंट था बनाने के लिए, बट समय बीतता गया और समय बर्बाद करते गए, और यही कारण है कि अब काफ़ी थोड़ा सा देर हो गया है, बट इट्स नॉट लाइक आई हैव फेल्ड, बट वी विल सी इनटू इट। एक्चुअली में हाँ मेरे को ये कोल तो मिल गया, अब आयरन चाहिए मेरे को, -15, -2 है, लेकिन हम यहाँ कुछ खास बहुत बढ़िया तगड़ा स्पॉन नहीं है, और सारे सब ये कहाँ गए चले यार, डिफ़िकल्टी क्या है, डिफ़िकल्टी नॉर्मल है, ओके हमको लगा पीसफुल है, हालांकि मॉब्स भी इसमें स्पॉन करते हैं, तो आओ चलो चलो देखते हैं। और हाँ इसमें क्या होगा ना, मतलब अभी तो हम इसमें कुछ ज़्यादा क्लिप्स नहीं डाल रहे हैं ये, अरे एक मिनट को, हम लोग बताएं ये क्या करते हैं ना कि इसको हम लोग इसको फर्नेस में लगा देते, खाना पकते रहेगा अपना, क्योंकि देखो हंगर ऑलरेडी डाउन हो गया, ठीक है, अब इसको मारेगा तो कोई निकलेगा साथ, अच्छा ये गुस्सा नहीं है। सुनो अभी वाइट वूल ले लेते क्योंकि रात हो जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें हम कोशिश करेंगे कि डेथ ना हो, लेकिन पर डेथ पे ना थोड़ा सा दुख होगा हमको। आजा भाई आजा आजा आजा, अरे वाह ये पता है खाना है, खाना पूरा गार्डन काम है, खाना ज़्यादा ही है। मेरा ऑडियो भी वैसे इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, या आई नो दैट, ठीक, उतना ऑडियो मेरा क्लियर नहीं आ रहा होगा और वगैरह वगैरह से, हम इसको फ्यूचर पे छोड़ दे रहे हैं, फ्यूचर में जैसा अपना ये ऑडियो बने, आई डोंट नो, जैसा भी बने, मेरा ऑडियो इतना क्लियर तो नहीं आ रहा। चलो अब रात का तो हो गया जुगाड़ अपना, ठीक है, ओके मेरे को थोड़ा सा आयरन चाहिए था, और थोड़ा सा हम सोच रहे इसमें को थोड़ा सा बताएं वो करें क्या कहते हैं, अरे जॉम्बी, अच्छा जॉम्बी यहाँ पे है, दबा किया जाता है, क्या हुआ, अच्छा अच्छा इसमें हनी आ गया, क्यों देखो इसका मतलब कुछ होता है, मेरे को याद नहीं, मेरे ख्याल से हनी का कुछ मेजर होता है, ऑल दो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट या हनी का वो कोई ना कोई मेजर होता है वो, ठीक है कि कितना हनी है इसमें क्या है वो होता है। आई थिंक कि मेरे को चलना चाहिए, क्यों या उधर चलते हैं, बार बार इधर आएंगे उधर आएंगे वैसा नहीं होगा, ठीक है। अभी तो मूड थोड़ा सा वो है, क्या कहते हैं, सैड है, असल में पता है सैडनेस एक फैक्ट्स बताते हैं, मेरे पास हमको इतने फैक्ट्स पता है ना, इतने साइंस के फैक्ट्स पता है ना, साइंस के मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत हमको ज़्यादा पता है, उसके कम पता है, क्या कहते हैं, अरे मेरे को उतना एंटरटेनमेंट कैटेगरी में जितने हीरो हीरोइन एक्ट्रेस है वगैरह आई डोंट नो अबाउट देम, ठीक है, बहुत हमको पता है। एक चीज़ मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि हमको सारे हीरोइनों का चेहरा एक ही जैसा लगता है यार, ऑनेस्टली बता रहे हैं, खासकर जो अभी नई नई वाली आई हुई हैं उन सारों का चेहरा एक ही जैसा लगता है, सारे बाल खोल लेते हैं और पता नहीं कि उनका एक ही चेहरा का बनावट ही होता है ऐसा, वैसे ये उसमें नहीं होता, क्या कहते हैं, मेल एक्ट्रेस में नहीं होता। ऋतिक रोशन और सलमान खान में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है, सलमान खान एक बहुत बड़े एक्टर, पता नहीं है कि नहीं, आई डोंट नो, हम किसी पर कमेंट करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन ऋतिक रोशन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी जो नए नए आए थे ना, आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट देम, ठीक, हाँ थोड़ा खाना ले लिया जाए, और हाँ तो कुछ अच्छा स्पॉन तो नहीं मिला है, हम सोच रहे थे कुछ बढ़िया स्पॉन मिले, लेकिन यहाँ इट्स फाइन। तो हाँ सैडनेस हम एक चीज़ बता रहे थे, सैडनेस आदमी जब सैड होता है ना, आदमी जब दुखी होता है ना, तो देखना उसको थोड़ा सा मतलब स्लो हो जाता है, ठीक,
स्लो हो जाता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा खुश मतलब नहीं रहता है। ठीक है, आदमी जब खुश रहता है तो एक्टिव रहता है। हालांकि अभी हम थोड़ा सा एक्टिव दिख रहे हैं क्योंकि यू नो फॉर द सेक ऑफ मेकिंग वीडियो, पता चले लोग अपना काम धंधा करके वीडियो खोले देखने के लिए और सैड हो जाए तो वो सैडनेस वाली वाइब कुछ अच्छी बात नहीं है। आप प्रोडक्टिव नहीं होते हो जब आप सैड होते हो। तो हम लोग सैड इसलिए होना शुरू किए ना क्योंकि हम लोगों को हम लोग बेटर डिसीजन ले पाए। पुराना ज़माना में जब असल में पता है हम लोग जितने भी आदि मानव हैं, हम लोग जितने भी एक मिनट को हम लोग किधर जा रहे हैं, टुवर्ड्स नेगेटिव जेड जा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को अगर जो इंसानों को अपने आप को समझना है ना, तो एंथ्रोपोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में ये होता है कि आप पुरातत्व टाइप के चीज़ों पे आप पढ़ाई लिखाई करनी होगी। ठीक है, हम लोग कहाँ से हैं, हम लोग पहले गुफा मानव थे। तो गुफा मानव में पता है अगर जो कोई किसी का मतलब देखो अभी अभी का जैसा हाल है वैसा पहले का हाल नहीं था। पहले इतना लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी एंड सोशल पुलिस एंड ऑल दैट वो सब नहीं था। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि अगर जो पहले अगर जो कोई वाइल्ड में अगर जो किसी भी फैमिली मेम्बर का डेथ हो जाता था ना, तो उनके सर्वाइवल पे बहुत ही मतलब ख़राब असर पड़ता था। ठीक है, हम इंसान पता है इस तरीके से बने कि हम लोगों को सर्वाइव, इंसान क्या सारे जानवर, इस अधिकतर जो जानवर हैं इस तरीके से बने कि हम लोग की सर्वाइवल बढ़ जाए। ठीक है, सर्वाइवल बढ़ने के लिए हम लोग पास एड्रेनलिन सिस्टम है, हॉर्मोन्स हैं। ठीक है, जब आदमी को डर लगता है तो देखना उसका आंखें बड़ी हो जाती हैं। क्यों आंखें बड़ी हो जाती हैं, ताकि आंखें ज़्यादा ज़्यादा लाइट कैप्चर करके बेटर डिसीजन कर सके। ठीक है, तो हम लोग सैड इसलिए होते हैं ना ताकि हम लोग घर पे बैठ करके प्रॉपरली डिसाइड कर सकें कि जो हम लोगों ने लॉस किया है उसको अगली बार से कैसे मिटिगेट करें, मतलब कि उसको अगली बार से कैसे कम करें। यही कारण होता है कि जब आदमी सैड होता है तो वो आदमी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, सोएगा, गाना गाएगा वगैरह वगैरह, मतलब ही इज़ नॉट दैट मच एक्टिव एंड डूइंग थिंग्स एंड ऑल दैट। ठीक है, डिप्रेशन, अरे अरे गिरने वाले थे हम। डिप्रेशन पता है सैडनेस का एडवांस्ड फॉर्म होता है। ठीक है, डिप्रेशन बहुत कुत्ती चीज़ होती है अपने यहाँ समाज में पता है डिप्रेशन को कोई लेकर के कोई ऐसा मतलब कोई जागरूकता है नहीं। तुम्हारा पेट खराब हो गया है, दुनिया भर का दवाइयाँ हैं। ठीक है, तुमको एक मिनट को फालतू गिर रहे थे, ये सब क्या है वैसे। हाँ, तुमको अगर जो पेट में जलन है तो उसकी दुनिया भर की दवाइयाँ, लेकिन जो चीज़ पूरा शरीर कंट्रोल करता है दिमाग, उसके लिए कुछ खास दवाई नहीं। हेडेक हो गया है, डिप्रेशन के लिए कोई किसी को अपने अपने यहाँ सोसाइटी में डिप्रेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बंदा आधी ज़िंदगी डिप्रेशन में जिया, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हाँ डिप्रेशन है, ये है वो है। और डिप्रेशन को कम करने कैसे किया जाता है हमको पता होता, बता देना। ऑल राइट, सो ये क्या फालतू का इधर उधर कर रहे हैं, मेरा मतलब गेम कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है। हम लोग ऐसे किधर थे, टुवर्ड्स नेगेटिव जेड थे ना। हाँ, टुवर्ड्स नेगेटिव जेड, ठीक हम लोग इधर थे। ठीक, चला एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो शायद कुछ ना कुछ मिल जाए, नहीं तो पता है हम लोग गोल गोल घूमते हैं। यही कारण है कि कोई जंगल में जाता है ना तो बहुत ही ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर जो आप ध्यान नहीं रहोगे ना तो आप एक ही डायरेक्शन में गोल गोल घूम रहे होते हो। ये सब चीज़ें मतलब सोच करके थोड़ा अजीब लगती है कि इतना छोटा जंगल में कैसे कोई गोल गोल घूम सकता है। हम गोल गोल घूमना इसको नहीं कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से चले और ऐसे 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 आगे, इसको गोल गोल घूमना नहीं कहते। गोल गोल घूमना ये भी हो सकता है कि आप ऐसे ऐसे जा रहे हो तो मान लो यहाँ पर खूब बड़ा सा दीवार आ गया तो आप यहाँ आगे, फिर ऐसे दीवार आ गया तो यहाँ आ गया, ऐसे आ गए तो यहाँ। अब आप इतना रेडियस के डायमीटर में गोल गोल घूम रहे हो। ठीक है, तो जब जंगल में जाते हैं तो लोग कंपास इसलिए ज़रूरी होता है कि कंपास को देख के जाओगे ना। अरे यार, कंपास को अगर जो देख के जाओगे ना तो आप गोल गोल नहीं घूमोगे। कंपास में जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की तरफ वो पॉइंट करती है। और क्यों पॉइंट करती है पता ही होगा, क्योंकि हम लोगों का अर्थ जो है मैग्नेटिक है। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिक है, मतलब कि अर्थ में दो पोल्स हैं, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से जो होती है ना जनरली कैलिब्रेट होती है कंपासेस सब, वो नॉर्थ पोल की तरफ मतलब कि रेड वाला डॉट रहता है। ठीक है, और साउथ पोल की तरफ रेड वाला डॉट नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव जेड। अरे यार, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, कुछ खाना तो हम लोग पास पर्याप्त है। क्यों, हाँ इधर का तो पूरा फील्ड ही क्लियर कर दिया है, तो चलते हैं। अभी कुछ मेरे को कुछ खास वीडियो बनाने का कुछ ऐसा कुछ तरीका पता नहीं है। हालांकि हम कुछ चैनल्स बना चुके थे इससे पहले भी और उसमें सिर्फ शॉर्ट्स फॉर्म डालते थे, तो शॉर्ट्स फॉर्म कुछ उतना चला नहीं।
और मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुआ यार कि अपनी एक ऑडियंस बनती है, ठीक है, हर एक यूट्यूब क्रिएटर का अपना एक ऑडियंस बनता है, ठीक है, वो ऑडियंस आपको वीडियो देखिएगी अगर जो आपने वीडियो अच्छा बनाया तो, और शॉर्ट से यार कुछ कम्युनिटी बनती नहीं है, ठीक। अभी देखो अभी हम लोग किधर है, टुवर्ड्स से पॉजिटिव एक्स की तरफ है, ठीक है, मेरे को जंगल की तरफ नहीं जाना है यार, जंगल, और हमको कुछ विलेज विलेज टाइप का कुछ चाहिए, ठीक, एक मिनट रुको, यहाँ पे आयरन ले लिया जाएगा, आयरन 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 नहीं यहाँ पे, चलो मेरे ख्याल से आयरन हम विलेज को ढूंढ रहे हैं, विलेज मिल जाए तो अच्छा है, विलेज अगर जो नहीं मिले तो खुद का विलेज बना लिया जाएगा यार, लेकिन हाँ कम से कम एक अच्छा सा लोकेशन तो यार, ये क्या बकवास है, मतलब बकवास नहीं है, माइनक्राफ्ट में कोई सिनेरियोज बकवास नहीं होते हैं। एक मिनट रुको यार, इतना FPS कैसे आ रहा है भाई मेरा गेम तो नहीं लैग कर रहा है, ओके रिकॉर्डिंग हो रही है, वही हम सोच रहे यार कि इतना FPS कैसे आ गया, ये देख रहे हो 127 FPS आ गया, मेरा जनरली रिकॉर्डिंग में इतना FPS आता नहीं है। हम लोग किधर जा रहे हैं, टुवर्ड्स नेगेटिव जेड, ठीक है, ओके तो चलो टारगेट तो यही है, या तो हम स्पेस में कुछ चीज़ें बनाएंगे या तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाएंगे, लेकिन हम कुछ इरेगुलर बनाना चाहते हैं, और मेरा मतलब टारगेट ये है ना कि हम इसको थोड़ा सा रेगुलर वीडियो अपलोड करें, ठीक है, मेरे पास शेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली साइंस की चीज़ें हैं, ठीक है, सो मेरे ख्याल से आगे कुछ होगा, कुछ है क्या, एमरल्ड एमरल्ड थोड़ी है गरीब, अगर जो मर जाएंगे तो फिर से प्रोग्रेस रीसेट हो जाएगा ठीक है, हमको आयरन चाहिए, सुनो आयरन ले ही आते क्यों, एक तरीका ये है आयरन को लेने के लिए कि हम यहाँ पर जाके अंडर वाटर माइनिंग करें, अंडर वाटर माइनिंग कर तो सकते हैं, लेकिन कुछ मज़ा नहीं आता यार, चीज़ें हल्की सी स्लो होती हैं, और यहाँ पर कौन सा अंडर वाटर माइनिंग होगा, अंडर वाटर माइनिंग से याद आया हमको, जो हम लोगों का पता है वर्ल्ड में वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जॉब्स, जैसे जॉब्स होते हैं तो जॉब्स तो कई बार कई तरीके के होते हैं ना, कोई टीचर बना हुआ है जाएगा क्लास में पढ़ा के आ जाएगा, ठीक है, कोई इंजीनियर बना हुआ है, मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हुआ है तो गया अपना सॉफ्टवेयर पे अपना काम करेगा या फिर कंप्यूटर पर अपना काम करेगा अपना वापस आ जाएगा, लेकिन पता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस जॉब्स बताएं क्या क्या हैं, सबसे टॉप में आता है वो अंडर वाटर केविंग, ठीक है, अंडर वाटर केविंग मतलब होता है कि जो जहाज़ें डूब गई हैं उनको एक्सप्लोर करना और उन पे मतलब अपना जो सर्वे वर्वे है वो सब करना, ठीक है, ये बहुत ही डेंजरस काम है, क्योंकि अगर जो इसमें कहीं कोई फंस गया है तो आप फंसे रह जाओगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो पानी के नीचे जो जहाज़ें डूब जाती हैं, ऑब्वियसली जहाज़ें पानी के नीचे ही डूबती हैं क्योंकि ऊपर रहेंगे तो तैर रही होंगी ना, हाँ, तो आपको पानी के नीचे डूबे जहाज के अंदर जा करके आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है, मे बी आपको चीज़ों को कुछ एनालिसिस करनी होगी या फिर कुछ सर्वे करना होगा या फिर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना होगा, तो आप अंडरग्राउंड जा करके चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, और इसमें डेंजरस चीज़ इसलिए बात कहें ना क्योंकि अगर जो आपका इसमें कहीं लाइट खो गया, पता है जो अंडर वाटर केविंग होती है ना उसमें जो लोग होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा लाइट होता है, ठीक है, क्योंकि अगर जो उनका लाइट चला गया ना तो नीचे तो लाइट आ नहीं रहा है, अरे भैया जब आप बहुत गहरे समुद्र में जब उतरोगे, ठीक है, एक मिनट गया नेगेटिव जगह, हाँ ठीक है, जब आप बहुत गहरे समुद्र में उतरोगे तो आपको लाइट नहीं दिखेगा, देखो यहाँ पे अभी लाइट है, ठीक, अगर जो हम थोड़ा सा नीचे चले जाएं, ये देखो थोड़ा और नीचे चले जाएं, ये क्या है, अब नहीं जाएंगे नीचे हम जा रहे वो लेके आने यार, क्या कहते हैं, थोड़ा आयरन लेके आते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, ऐसे पगलों जैसा खाली घूम रहे हैं, आयरन नहीं मिल रहा है ना, ये तो बात है, हाँ, तो ये जो अंडर वाटर रहता है ना यहाँ तक लाइट पहुँच नहीं पाता है, तो अगर जो लाइट नहीं पहुँच पाएगा तो आप देखोगे कैसे, और आपके ऊपर यहाँ पे जैसे कि आपके ऊपर यहाँ पे पूरे जहाज़ के सारे पार्ट्स होते हैं, तो आप फंस के रह जाओगे अगर जो आपका लाइट खत्म हो गया और ऑक्सीजन कुछ भी खत्म हो गया, तो मान लो ऑक्सीजन अगर जो खत्म हो गया तो आप कैसे ऑक्सीजन लाओगे भाई, आपको आप ऐसा तो पानी है नहीं कि आप सुनो आप ऐसे पानी में जाओगे ऐसे पानी में चले गए नीचे और सीधे उठ जाओगे, ऐसा नहीं होता, इसके ऊपर में बहुत बड़ा सा वो रहता है, क्या कहते हैं, शिप्स रहते हैं, तो अंडर वाटर केविंग जो होती है ना वन ऑफ द मोस्ट केविंग, मतलब लोग केव्स में भी जाते हैं और सिप्स में भी जाते हैं, जैसा उनका जैसा मतलब मेरा आइडिया समझो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, शब्दों पे ना जाओ भावनाओं पे ध्यान दो, ठीक है
तो ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जॉब्स होते हैं। अगला डेंजरस जॉब्स ये होता है कि जॉब में से एक ये है कि ऑयल रिग फैक्ट्री पे जो लोग काम करते हैं, कभी देखना कि तेल कैसे निकलता है, ठीक है, टर्टल चिप्स, ठीक है। टर्टल से एक बात याद रखना, जो टॉर्टोइजेस होते हैं ना, टर्टल के ही एक तरीके से वंशज हैं। तो टॉर्टोइज के जो उम्र होता है 300 साल तक होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा साल तक जी सकने वाला अगर जो कोई जीव है तो वो कछुआ है, ठीक है। कठुआ कछुआ कठुआ नहीं कछ अच्छा चलो एक विलेज मिल गया, गुड। हाँ तो कछुआ पता है कि करीब 300 साल तक लगभग जी सकता है। हमको याद नहीं कि पिछला कछुआ को कब डिस्कवर किया गया था, ऑल दैट, बट आई नो दिस डैम वेल कि कछुआ कई साल तक जी सकते हैं। मेरे ख्याल से हम लोग अपना बेस यहीं पे बनाएंगे, क्यों? अरे यार गेटी देना बोलिया। तो या एक्चुअली आई थिंक दिस मच इज इनफ फॉर दिस वीडियो, ठीक है। चलो आज का अपना एक टारगेट ये हुआ कि हम लोग एक ये मिल गया है, घर मिल गया है। नेक्स्ट टाइम से कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्लिप्स होता है वही डालें। बट एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट दैट, इट्स अबाउट चिल एंड रिलैक्सेशन एंड ऑल दैट। आई हैड टू अपलोड अ वीडियो, मेरे को वीडियो अपलोड करनी ही थी आज, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। हम एक जनवरी को लास्ट वीडियो अपलोड किए थे, उसके बाद से हमने कुछ अपलोड करी नहीं। तो या आई विल सी इन टू दैट। तो या लेट्स सी यू, बाय।